सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने के बाद में कैसे मिलेगी दिव्यांग बच्चों को फैमिली पेंशन, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर एक सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी के जिंदा रहते हुए उसके दिव्यांग बच्चों की सूचना ऑफिस को नहीं मिल पाती है और उस सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने के बाद में उस दिव्यांग बच्चों को फैमिली पेंशन पाने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी सामने आते हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दूसरे फैमिली मेंबर्स, उसको पेंशन मिलती रहती है लेकिन उस पीरियड के दौरान भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका नाम ऑफिस को नहीं दिया गया है या फिर उसके बाद में बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं तो क्या उनको भी फैमिली पेंशन मिलेगी, मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इसी टॉपिक के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई जो कि आपके सामने है और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैन डिसेबल्ड चाइल्ड बी ग्रांटेड फैमिली पेंशन इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट और हिज और हर स्पाउस हैड नॉट इंटीमेटेड डिटेल्स ऑफ द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए डिसेबिलिटी टू द पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, यानी कि उनके जिंदा रहते हुए उन्होंने दिव्यांग बच्चों की सूचना उनके ऑफिस को नहीं दी है तो क्या उसके बाद में भी यानी कि उनकी मृत्यु के बाद में भी दिव्यांग बच्चों को फैमिली पेंशन मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, ये यहाँ पर प्रश्न था। तो इसका जवाब यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा ये दिया गया है कि नॉन इंटीमेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए डिसेबिलिटी टू द पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी डज नॉट मेक ए चाइल्ड इन एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, यानी कि यदि आपने सूचना नहीं दी है तो इसकी वजह से बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यानी कि इंटीमेशन नहीं देना बच्चे को फैमिली पेंशन के लिए योग्य नहीं बनाता, यानी कि बच्चे को इंटीमेशन नहीं देने के बाद भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। यहाँ पर बताया गया आगे कि ये डिसेबल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉई बार पेंशनर्स और हिज बार हर स्पाउस फॉर ए डिसेबिलिटी विच एग्जिस्टेड बिफोर देयर डेथ मे बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट ही और सी वाज सफरिंग फ्रॉम दैट डिसेबिलिटी ऑन द क्रूशियल डेट दैट इज ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पेंशनर्स और एम्प्लॉई और हिज स्पाउस विच एवर वाज लेटर एंड द डिसेबिलिटी रेंडर्स हिम और हर अनेबल टू अर्न ए लिविंग ही मे बी सेंक्शन फैमिली पेंशन टू सच चाइल्ड और फॉर लाइफ, यानी कि यदि जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई थी या फिर उसके स्पाउस की मृत्यु हुई थी या फिर पेंशन भोगी की मृत्यु हुई थी उस टाइम पर यदि वो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है और उसकी सूचना ऑफिस को नहीं दी गई है तब भी यानी कि ऐसे मामलों में भी सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने के बाद भी बच्चों को फैमिली जो पेंशन है वो दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है यानी कि सरकारी कर्मचारी यहाँ पर नौकरी करता था उसका जो HOD है यदि वो सेटिस्फाई होता है कि सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी की मृत्यु के दिन वो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग था और उस विकलांगता की वजह से वो अपना जीवन यापन करने के लिए जो अर्निंग्स है वो कमाने में असक्षम था तो उस बच्चे को भी सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद में भी फैमिली पेंशन शुरू की जा सकती है, यानी कि उसका नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है और उसके बाद में फैमिली पेंशन का भुगतान उस बच्चे को उसकी पूरी ज़िंदगी भर सरकार के द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने के बाद में भी शारीरिक रूप से विकलांग किसी प्रकार से विकलांग जो बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे हैं उनको फैमिली पेंशन दी जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।